कंट्री टेलर। हेलो दोस्तों, आज मैं मिला दुनिया के सबसे खतरनाक घपलेबाज लक्ष्मण प्रसाद से। कॉल मी लक्की, लक्की दादा। 11 मुल्कों की पुलिस ने इसका पीछा किया, तब जाके इसको पकड़ना मुमकिन हुआ। आप सोच रहे होंगे कि इस भयंकर गुंडे का बाप भी गैंगस्टर होगा, लेकिन नहीं, लक्ष्मण भी आप ही की तरह एक हंसता खेलता प्राणी था। छोटे गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाला लक्ष्मण अपने पिता की शान, दोस्तों की जान और गुरुजनों का मान था। तभी एंट्री होती है हमारे सहायक किरदार बंटी की, लक्ष्मण का नया सहपाठी और हाल ही में बना लंगोटिया यार। बंटी एक नंबर का लफंगा था। अगर एक काले इंसान के पास एक गोरा इंसान बैठे तो उसका रंग तो नहीं पर उसके ढंग तो आ ही जाते हैं, और वही हुआ। अब रात रात भर बैठ के साउथ की फिल्में देखना, क्लास बंक मार के गेड़ियां मारना, फुल वॉल्यूम में पंजाबी गाने सुनना और फेसबुक पे लड़कियों से चिकनी चुपड़ी बातें करके उनको फंसाना लक्की और बंटी का शौक बन गया। आने वाले 2 सालों में लक्ष्मण ने कई लड़कियों से चक्कर चलाए। अब लक्ष्मण अपना पूरा टाइम लड़कियों से बतियाने और सोशल मीडिया पर सस्ता कंटेंट देखने में खोटी करता। हालांकि इंसान थोड़ा गुरूर तो माँ के पेट से लेके ही पैदा होता है, पर शायद इतनी खूंखार फिल्में देखकर लक्ष्मण खुद को अल्लू अर्जुन ही समझने लग गया। लक्ष्मण के जीवन के 3 आदर्श थे। पहला, छोटा मुंह बड़ी बात। दूसरा, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। और तीसरा, दूसरों को अपने पैरों की जूती समझना। I am lucky दादा, born of Mumbai। ए, मुंबई तेरे बाप की है क्या? नहीं रे, तेरे बाप की, और तेरा बाप मैं हूँ। बापू पढ़ाई के लिए जो पैसे भेजता वो लक्ष्मण के महंगे शौक पूरे करने के लिए काफी नहीं था। घर वालों को धोखे में रखकर वो पढ़ाई तो छोड़ ही चुका था, और दूसरी तरफ दुनिया की चकाचौंध से आकर्षित होकर लक्ष्मण रातों रात अमीर बनने के ख्वाब संजोने लगा। लक्ष्मण ने बिना सोचे समझे अपने परम मित्र बंटी के साथ मिलकर कई फालतू के धंधों और स्कीमों में हाथ आजमाया। ज्यादा लालच के चक्कर में उसे लाखों का नुकसान भुगतना पड़ा, जिसकी भरपाई बापूजी ने कर्ज में डूबकर की। तंग आकर बापूजी ने भी उसका खर्चा पानी बंद कर दिया। टिकटॉकरों से प्रभावित होकर लक्ष्मण पे भी रील्स बनाकर फेमस होने का भूत सवार हो गया। किसी से मुकाबला करने के लिए ब्रांड मायने नहीं रखता, दम होना चाहिए। जो मुझ में ठूस ठूस के भरा है देखेगा। नाम को भाईचारों को नहीं है मेरे भाई, कभी जान मांग लीजिए भाभी हाजिर है। एक सूती टिकरी। लेकिन नकल में भी अकल चाहिए, जिसकी लक्ष्मण में फूट फूट कर कमी थी। तो यहाँ भी लक्ष्मण अंधेरे में तीर चलाकर रह गया। अब लक्ष्मण के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और उसे आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आखिरकार अपने क्रोध की ज्वाला में भस्म होकर लक्ष्मण ने काले धंधों की दुनिया में अपना हाथ घुसेड़ा, और इस बार उसे सफलता भी मिली। बस फिर क्या था, शेर के मुंह खून लग चुका था। फिर लक्ष्मण ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्रिकेट में सट्टे लगवाना, लोगों को सरकारी नौकरी का झांसा देकर पैसे ऐंठना और जरूरतमंदों को पैसा डबल करने की स्कीमों से बहकाना, ऐसा कोई पीरियड नहीं जो लक्ष्मण से अनछुआ था। अब वो लक्ष्मण प्रसाद से लक्की दादा बन गया। खौफ ऐसा कि 50 कोस दूर जब कोई बच्चा पैदा होता तो उसकी माँ कहती, बेटा अंदर चला जा वरना लक्की आ जाएगा। करोड़ों में खेलने वाला लक्की अब बंटी को तो मुंह भी नहीं लगाता था। कुछ दिनों तक तो लक्ष्मण ने महंगी गाड़ियों और जंगली बिल्लियों का खूब लुत्फ उठाया।
पर काफी कसमकस के बाद वो कानून के हत्थे चढ़ ही गया। अब ये लक्ष्मण है, ये पुलिस का डंडा है और उनकी पारी हो रही है। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला।